जय हिंद कमांडो सुनील, आज हम हाइट और चेस्ट की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर आना है, सिंगल बंदा आएगा, खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, चेस्ट की कार्रवाई, फिर उसके बाद हाइट की कार्रवाई। ठीक है, बिल्कुल दो तरीके से जो भी आएगा बिल्कुल डिस्टेंस से आएगा, कार्रवाई करेगा। और उसके बाद आपको, आप जब ये कार्रवाई करते हैं तो आपको फौज में जब आप आर्मी रैली भर्ती के लिए वहां पर जाएंगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सीरियस हो जाओ और थोड़ा सा लाइफ गेम में थोड़ा सा टेंशन ले लो कि आपको ये चीजें वहां पर क्या आएंगी, काम आएंगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे इवेंट होते हैं, ये चीजें आपको प्लस पॉइंट के लिए उठाती हैं कि कैसे आप जाएंगे, कैसे खड़े होंगे। मेरे जैसा सोल्जर होगा वहां पर कसको मारेगा और फेंकेगा साइड में। ठीक है, तो इसलिए आप, आपको पता होना चाहिए मैं वहां पर जाऊंगा। सबसे पहले जैसे ये लड़का मेरे पास आएगा, ये आ रहा है, आएगा, सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा अरवास, ये अरवास करते हुए आएगा, अपना हाथ खोलेगा, आते ये हाथ खोलेगा। और जो वहां पर सोल्जर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा आर्मी रैली का, जो आपको भर्ती कर रहा है, वो वहां पर क्या करेगा, फीता लगाएगा। देखना फीता, जो ये जो नीचे आपके एंकल होते हैं, इन एंकलों के ऊपर लगता है फीता, ना कि ये ऊपर, ठीक है, इन एंकलों के यहां लगेगा फीता। ठीक है, उसके बाद पूरा नपा के रखता हो, पूरा नपा के रखेगा। और यदि मान ले आपकी चेस्ट ज्यादा है तो वो बोलेगा गिनती बोल, गिनती बोल, एक दो तीन चार पांच, जब फीता अंदर जा रहा है ना, अंदर जाने के लिए होता है, नहीं तो ऐसे मारेगा उसको ना। ठीक है, और फिर जैसे हो गया आपका, उसके बाद बुलाने के लिए अब ये 82-83 देखिए इसका, ये हो गया जस्ट का तरीका। इसी प्रकार से सभी लड़के आएंगे। ठीक है, चल अपनी जगह नेक्स्ट, पहले इनकी चेस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हाइट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको बोलूंगा एडवांस, एडवांस आप कर दे, पहले आप कर देना। ठीक है, आप डाउन करें, जब फीता लग जाता है तो हाथ क्या किए जाएंगे, डाउन, आप 82-87 नेक्स्ट, और ये बात कोई नहीं करेगा, ठीक, सीरियस होके बैठेंगे, एडवांस, गिनती बोल, गिनती बोल, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 अब 79-87 जब मैंने इसको गिनती के लिए बोला तो इसकी कितनी थी, 82 थी, जब गिनती बोली तो इसकी 79 आ गई, इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी क्या थी, चेस्ट ज्यादा थी, पहले फुलाई थी इसने, सांस को अंदर रोका था, जैसे सांस को अंदर रोकेगा इसे फुली नहीं, फुलेगी नहीं, फुले साथी 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। ठीक है, एडवांस, ऐसे हो, गिनती बोल, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 अब 85-90 ठीक है, नेक्स्ट, जब मैं आ गया तो पीछे हो जा थोड़ा, चल इंतकाल डॉन कर ले, हाथ डॉन कर, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 आप 79-87 बस सिंपल बुलाया और छाती पर, ये नहीं कुछ उतनी नहीं मारनी अंदर, ठीक है,
अब सत्रवासी पहले चेस्ट की कार्रवाई हो गई है, अभी है हार्ट की कार्रवाई। चला जा जब हार्ट अटैक करते हैं तो इसके पांव क्या मिले होने चाहिए, मिलाना बॉडी को खींच, बॉडी ऊपर को खींचनी है, ठीक है। स्ट्रेट ओके, खड़े होना स्ट्रेट, आपने स्ट्रेचिंग करनी है ऊपर को बिल्कुल टाइट। एड़ियां नहीं उठानी है तो एड़ियां उठा ली, एड़ियां नहीं उठानी है, ठीक है। अपना बस पैर मिला के बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, ठीक है। एक सौ पचहत्तर, एक सौ पचहत्तर, ठीक है। चलना है एक सौ इकहत्तर, वैसे इसकी सिंपल खड़ा था तो इसकी 170 थी, अभी इसने थोड़ा टाइट हुआ तो 170 हो गई, ऐसे फायदा हो जाता है। चल मैच पीछे मिलके वही हाल माता। चल 170 से ज्यादा वैसे 178। एक सौ बहत्तर, एक सौ सत्तर, एक सौ उनहत्तर है वैसे, एक सौ उनहत्तर और सत्तर के बीच में। बात कोई नहीं, बात नहीं करेगा पीछे पन्नी वाला, सोल्जर बनना आपने, राइट खड़ा। 172, ये क्या थी आपकी हाइट की कार्रवाई, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जो लड़के हैं बेबी वो भी ऐसे आएंगे, ठीक है, चेस्ट के लिए और हाइट के लिए, और सभी अपनी हाइट और चेस्ट कराएंगे। मतलब सिंपल आप आए, ये होता है ऐसे, डरना नहीं है, पीछे कोई ऐसे लगाता है कोई कैसे, सिंपल आए खड़े हो गए और दोनों पांव को मिला लिया और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेच खींचना है, बॉडी को ऊपर खींचना है, एड़ियां नहीं उठानी है, ठीक है। बेशक अपने हाथों को बिल्कुल टाइट कर लो और सिंपल करके ऊपर को खींचो बस, ठीक है। और जब आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो उनकी बातें सुनो आप, ठीक है। यदि आपने फौजी बनना है, यदि सोल्जर बनना है, तो अपनी बातें वहां कम करना, नहीं तो वहां कोई नहीं सुनता, ठीक है। जब आप रैली के लिए जाते हैं वहां कोई नहीं सुनता, थोड़ा इस बात के लिए ध्यान रखना, और थोड़ा सा हलमत किया करो यार। कोई भी कार्रवाई होती है आपका उसका 100% फायदा है। जो अभी हाइट और चेस्ट की कार्रवाई हुई है इसमें आप चार बातें सीखोगे, जब आप वहां पर जाओगे आर्मी रैली भर्ती के लिए जाओगे तो आपको इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको पता होगा कि मैंने जाना है, मुझे क्या क्या चाहिए करना होता है, क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं। वहां जाते हैं कईयों को तो पता नहीं होता कि 5 सेंटीमीटर जो फुलाना पड़ती है,
जिसकी छाती कहीं की पूरी भी होती है वो फुला नहीं पाते हैं, कई वैसे फुला के पहले टाइट खड़े हो जाएंगे। सिंपल जाओ, जिसकी छाती मैंने बोला पूरी है, मेरा मैंने जो फीता लगा दिया उसकी छाती कोई काम नहीं कर सकता, जैसे मैंने नापी है वैसे ही नापी जाएगी वहां पर। थोड़ा सा और टाइट कर देगा फीता वो अलग चीज है, मैंने वैसे टाइट ही किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज के लिए ध्यान रखा करो, जो चीजें मजाक नहीं हो रहा है, हंसने वाली बातें नहीं होती हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सोचो कि हमारे मम्मी पापा ने जहां पर भेजा है तो हमें किस लिए भेजा है, इस चीज की आप और समझो, वैल्यू समझो। एक सोल्जर जो कि बहुत बड़ी हस्ती है आज की डेट में, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत बड़ी वैल्यू होगी आपकी। हम भी सोल्जर थे, ठीक है। तो आपको एक सोल्जर के द्वारा जो ट्रेनिंग कराई जा रही है उसका आप बेनिफिट ले लो, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हंसना ये वो ऐसी चीजें कोई फायदा नहीं देंगी बात में। वहां जाके आपको जिस लड़के ने सोच लिया, जो लड़के हमारे पहले थे जिन्होंने सोच लिया कि हमने भर्ती होना है, हमने ट्रेनिंग करनी है, हमने जी जान के मेहनत करनी है, एक भी लड़का नहीं रहा। और मैं दावे से बोलता हूं इसमें मैक्सिमम लड़के मेरे एक्सीलेंट आएंगे, आपके सामने देख लेना। जैसी हमारी ट्रेनिंग है वैसी ट्रेनिंग चाहे भी कोई इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई बोल दे लड़का कि ऐसी ट्रेनिंग कोई कमी है ट्रेनिंग में, मुझे बताया जाए कि हमारी ट्रेनिंग में सर ऐसा ट्रेनिंग कमी है, 1% कमी नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको हर चीज से वाकिफ कराया जाएगा, हर डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा, मेडिकल में क्या क्या कार्रवाई होती है पूरा आपको सिखाया जाएगा। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको आर्मी रैली भर्ती में हर चीज बताई जाएगी। सीखो कुछ चीजें, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।